वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे इज़ योर हिस्ट्री लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड दैट इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सो इन द लास्ट लेक्चर कुछ बच्चों ने कहा था कि टीचर आप थोड़ा सा बीच में हिंदी में एक्सप्लेन करो। सो इन दिस चैप्टर मैं ट्राई करूँगी बीच में जो टर्म्स आपको टफ हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। सो वी स्टार्ट अवर लेसन with the very interesting session, that is try this. Make a list of things in your house which belong to your grandparents' time. आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत पुराने टाइम की, लाइक वी आर यूजिंग मिक्सर, बट आज भी कुछ लोगों के घर में आपको सील बट्टा दिखाई पड़ेगा। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ओल्ड स्ट्रक्चर इन योर लोकेलिटी। तो आप देखो जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार या बहुत पुराना सा कोई मंदिर या टेंपल हो जो बहुत ओल्ड टाइम का हो, ऐसी भी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। और लाइक जो पुराने ज़माने में कॉइन्स चलते थे, जैसे एक आना, दो आना, 10 पैसे, ऐसे बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स भी आप अपने घर में देख सकते हो। सो बच्चों, अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यूज बाय आवर एंसेटर्स स्टिल एग्जिस्ट। मीन्स एंसेटर का मीनिंग होता है कि जो हमारे पूर्वज थे, लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट, उनके पेरेंट, तो दैट एंसेटर ने जो चीज़ें यूज़ की हैं दे आर स्टिल एग्जिस्ट। तो सम इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकवर्ड। सो सोर्सेज लाइक दीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। सो ये जो एंशियंट चीज़ें हैं ये हमें हेल्प करती हैं हिस्ट्री को समझने के लिए। इन द लास्ट चैप्टर आपने देखा था कि हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। तो हिस्ट्री इज़ ए कोरेंट सिग्निफिकेशन ऑफ पास्ट इवेंट। हम पास्ट के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो जो पुरानी चीज़ें हैं दीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। सो हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी लर्न थ्रू कस्टम एंड ट्रेडिशंस। हम बहुत सारे कस्टम और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। देखो जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कस्टम एंड ट्रेडिशंस। आप बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हो, जैसे ईद में सेवइयाँ बनती हैं, तो इन द दिवाली में यू आर लाइटिंग द लैम्प, आप कैंडल्स जलाते हो। क्रिसमस में हम क्रिसमस क्रिसमस का टाइम आता है तो क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया जाता है। सो अलग अलग जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उसमें अलग अलग कस्टम और ट्रेडिशंस वी आर फॉलोइंग। इसके अलावा फोक आर्ट्स, ऐसे बहुत सारे आर्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, लाइक मधुबनी और अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स, पिक्चर्स, फोक आर्ट्स। तो ये फोक आर्ट्स भी हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द पास्ट हिस्ट्री। फोक लिटरेचर, जो एंशियंट लिटरेचर्स हैं लाइक रामायण, महाभारत, बाइबल और वेदास। सो फोक लिटरेचर ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट हिस्ट्री। पास्ट टाइम के लोग कौन सी सोशल लाइफ जीते थे, व्हाट सिस्टम दे आर फॉलोइंग, उनकी ट्रेड, उनके रिलेशंस, उनके कस्टम्स, उनके त्यौहार मनाने का तरीका, उनके बाकी सिस्टम, वो सारे हेल्प मिलती है हमें फोक लिटरेचर से समझ में आता है। Also, the historical documents. We also find some historical documents and they are also help us to understand the history. So, all these known as the sources of history. So, we are divided the source of history into 3 main parts. And these 3 parts are, these 3 types are material sources, written sources and oral sources. So one by one we have to understand these sources in detail. Now next interesting activity and that is can you tell. So in this activity read this structures such as fort, rock cut capes, stoop etc. are known as material source of history.
Try to guess what other structure can be called material sources. So first we will start with material sources. तो material sources are these. Material source क्या होते हैं, जैसे forts, किले हैं, या rock cut जो caves वगैरह आप जाते हो, अजंता, Ellora caves, stoops वगैरह होते हैं, कुतुब मीनार, लाल किला. So these are made with some material. So these sources are called the material sources. So in this activity you have to try to guess what other structure can be called material sources. Okay, so before starting to understand the what is material sources, first we have to understand what is artifact. Man uses a variety of things in his day-to-day life and they are known as artifact. Like we are using watches, we are using pen, calculators, bags, t-shirts, different type of t-shirts. So these all things that man uses in day-to-day life, these are known the artifact. तो ऐसे जो हमारे ancestors थे, जो old peoples थे, हमारे पूर्वज थे, they are also using the artifacts. और वो artifacts जो हमें आज मिलते हैं, that artifacts used by human in the past provide us valuable information about life in the ancient time. So वो लोग क्या use करते थे ancient time में, कौन से type के watches use करते थे, या कौन सी books read करते थे, या what type of things they are using. तो वो सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं, they are providing us the valuable information about life in the ancient time. And we can decide the period of ancient artifact like earthen pots. Like these are the new things, we are using this. But in the older times, they are using that earthen pots. And from these earthen pots, if you look at the picture, you see the shapes of the pots, their colors, design, they all are very ancient. And from this we understand the history, source of history, their life, their social life, what pot they are using, which type of. We also studying the shapes, colors and designs of ancient pots. Like this, these are the earthen pots. By studying the shape, color and design are ancient posted. So ये सारे देखो आपको, ये जब भी excavations किए थे, मतलब यानी जब खुदाई की जाती है, तो उसमें ये सारे pots, ये सारी चीज़ें मिली, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि these time of people वो क्या use करते थे, कौन से type के pots they are using. We also get information about their ornaments also. Like this, the ornaments and other artifacts throw light on social interaction. We get information about the diet of people also from the remains of food grains. So from the remains of food grains, seeds and bones of animals, we also find the information about the peoples. We also get information about the diet of the people from the remains of food, grain, seeds and bones of animal. So in the excavations, we find these things, these seeds, food, grains, bones of animal, this type of ornaments, these earthen pots, all these are found in excavation. And from these artifacts, we get information about the people, past people. Okay, hope you all understanding. So in the we also find some remains of houses and building in excavations. So from these you see in the picture, that remains of houses, buildings like Harappa, Mohenjo-daro, in that excavation we find the remains of houses and buildings built in different historical period. So we also find ancient things, ancient coin, ancient seals,
All these are gives us information about human activities in the past. And all such artifacts, articles, monument or they were ruins are called the material source of history. So student, hope you all understand what is artifacts, and from these all artifacts, these remaining ornaments, earthen pots, these remaining of houses and buildings, and ancient historical period, what we find? We find some ऑर्नामेंट्स, कुछ जो गहने वगैरह एक्सकेविशन मिले हैं खुदाई वगैरह में, जो अर्थन पॉट्स मिले हैं, जो रिमेन बिल्डिंग्स वगैरह मिली है, या जो चीज़ें हमें जैसे सीड्स, बोन्स और फूड ग्रेन्स मिले हैं, फ्रॉम ऑल दिस वी फाइंड द दीज ऑल थिंग्स आर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट. सो ऑल सच आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मोनूमेंट्स और देयर रूनस आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग सेशन एंड दैट इज डू यू नो. सो आप सोच रहे हो कि टीचर फूड ग्रेन्स तो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, तो फूड ग्रेन्स एक्सकेवेशन में कैसे मिलते होंगे? सो हेयर इज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि फूड ग्रेन्स कैसे एक्सकेवेशन में उन लोगों ने फाइंड आउट किए हैं. सो फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग. वी ऑल नोज दैट दे आर डू नॉट लास्ट लॉन्ग. दे गेट ईजिली इन्फेस्टेड एंड टर्न इन टू पाउडर. इन एंशियंट टाइम पीपल आर यूज टू रोस्ट फूड ग्रेन्स बिफोर ग्राइंडिंग देम. सो वो लोग क्या करते थे, ग्राइंड करने से पहले उसको अच्छे से रोस्ट करते थे. और रोस्टिंग के टाइम इफ अ फ्यू ग्रेन्स गॉट चेड वाइल रोस्टिंग. चेड मीन्स कभी कभी देखो किसी चीज़ को भूनते वक्त वो बहुत ज़्यादा अगर रोस्टेड हो जाती है तो इट टर्न इन टू ब्लैक, वो ब्लैक या रेडिश हो जाती है. सो इट इज़ कॉल्ड द चैड. और वो थोड़ी हार्ड भी हो जाती है. तो दे वेयर थ्रोन अवे. वो क्या करते थे उसको, बिकॉज वो टेस्ट को थोड़ी कड़वी लगती है. सो जब भी वो रोस्टिंग करते थे एंड इफ अ फ्यू ग्रेन्स गेट चैड वाइल रोस्टिंग दे वेयर थ्रोन अवे. सो सच चैड ग्रेन्स कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. सो ऐसे जो चेड होते हैं, जो ज़्यादा रोस्टेड फूड ग्रेन्स होते हैं, दे आर इंटैक्ट वेरी लॉन्ग पीरियड. सो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन सच चेड ग्रेन्स कैन बी रिकवर्ड. वेन दीज आर इंस्पेक्टेड इन अ लेबोरेटरी वी कम टू नो वॉट ग्रेन इट इज. सो फ्रॉम दीज ग्रेन वी हैव टू नो कि वॉट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स फूड्स दे आर यूजिंग इन द पास्ट टाइम. Now, next session, that is, do you know? Written sources of history include inscriptions carved on temple. Inscription means, देखो वो क्या करते थे कि पत्थरों के ऊपर या बहुत सारी जो है पेड़ों की छाल वगैरह के ऊपर they are writing something. So these included inscription, carving करते थे वो लोग. They are just, क्योंकि वो hard होता है तो हार्ड के ऊपर लिख पाना पॉसिबल नहीं था, तो उसके ऊपर वो क्या करते थे, नुकीली चीज़ों से दे आर कार्विंग समथिंग. सो दे कार्व्ड ऑन टेम्पल वॉल, वॉल्स ऑफ रॉक कट केव्स एंड रॉक्स. सो इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर प्लेट, पॉट्स, ब्रिक्स एंड ऑन राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम पाम लीव्स एंड ब्रिक बार्क एक्सेट्रा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट. That is written sources of history. So student, the Stone Age people have recorded many events and expressed their emotions in painting on rocks. वो क्या करते थे, दे आर अपने emotions को, feelings को दे आर वो rocks के ऊपर paint करके express करते थे. It was only after thousands of years that men learned the art of writing because they don't know about writing. उनको लिखना नहीं आता था. और जो राइटिंग स्किल है, आर्ट ऑफ राइटिंग, वो डेवलप होने को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे. तो स्टोन एज पीपल दे हैव रिकॉर्डेड देयर मैनी इवेंट्स एंड एक्सप्रेस देयर इमोशन बाय पेंटिंग ऑन रॉक्स. ये देखो जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, वो वॉल्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर पेंटिंग किया करते थे. इन द बिगिनिंग हुमन एंड सिम्बल्स आर साइन टू रिकॉर्ड देयर थाट्स एंड आइडियाज. However, it took thousands of years to for a script to develop from these. In this picture, you see that one man is something painting on the wall or cave.
सो फर्स्ट इन द बिगिनिंग मैन सर रोट ऑन पॉटसर्ड, वो लोग मटके वगैरह के ऊपर या किसी पॉट के ऊपर लिखने का काम करते थे। जो अनबेक ब्रिक्स होती हैं, आपको पता है ब्रिक्स को जब भी बेक करते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो जो कच्ची ईंटें होती थी अनबेक ब्रिक्स होती थे, दे आर ऑल्सो राइटिंग ऑन दैट। दे ऑल्सो यूज ट्री बार्क फॉर राइटिंग। और ये जो अनबेक ब्रिक्स है, ये अनब्रेक ब्रिक्स के ऊपर वो लिखते नहीं थे, मीन्स अनब्रेक ब्रिक्स का जो शार्पन पार्ट है, क्योंकि आप देखो कोई ब्रिक वगैरह ईंट आपने देखी होगी, तो अगर उससे आप ज़मीन पे लिखो तो लिखने को होता है, तो वो क्या करते थे, जो अनबैक ब्रिक्स वगैरह होती थी उसका जो पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट था, दे आर यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग। दे आर ऑल्सो यूज बिर्च, बुर्च ट्री बाग टू राइट ऑन, वो जो ट्री का बाग होता है उस बाग का भी यूज़ करते थे उसके ऊपर लिखने के लिए, दे आर यूजिंग द ट्री बाग टू राइट। As his experience and knowledge increased, he began to write in different ways. He began to record the event that took place around him. और जैसे जैसे क्या हो गया, उनका knowledge बढ़ता गया, उन्होंने क्या देखा कि वो they are starting to begin to write in different ways. In this picture, you see that भोजपत्र is there. So भोजपत्र क्या होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे बताऊंगी आपकी टेक्स्ट बुक में ही, डू यू नो सेशन में आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी है। सो स्टूडेंट दे आर यूजिंग भोजपत्र ट्री बाग टू राइट ऑन। सो स्लोली स्लोली एज देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज दे बिगिन टू राइट इन डिफरेंट वेज। He began to record the event that took place around him. An account of the proceeding of royal court were also written systematically. Many rulers had their order, judicial decisions, donations, etc. They inscribe on stone or copper plate. Like you see in the picture. सो जो बड़े बड़े राजा होते थे, रूलर्स होते थे, या फिर जो लोग डोनेट करते थे कुछ चीज़ें, तो वो क्या करते थे उसको कॉपर प्लेट पे या स्टोन के ऊपर जो है वो लिखवाते थे। सो दे बिकन टू रिकॉर्ड इवेंट्स आल्सो एंड दे आर राइटिंग सिस्टमेटिकली। दो मैनी रूलर्स एंड देयर ऑर्डर्स, दे आल्सो राइट देयर ऑर्डर्स, देयर जुडिशियल डिसीजंस एंड डोनेशन एक्सेट्रा। So they are using that stone, this type of stones or copper plate. So student, this is the table. It is very useful table to understand the whole lesson. It is a summary, very interesting part. Do you know sources of ancient Indian history? जो हमने अभी पढ़े ना, three type of sources, material sources, written sources and oral sources. So from this table you understand all in very short. First material source mein kya padha humne, artifacts. Artifacts kya hote hain, rock painting, pottery, terracotta beads, ornaments, sculptures, metal object, coins and weapons. These are artifacts and they are included in material sources. We also learn about the structural remains like caves, houses, stoops, rock cut temple, churches, mosque pillars, etc. So these all are included in the material sources. Next, the written sources. In written sources, inscription on Harappa seals, Vedic literatures, Mesopotamia clay tablets, manuscript. We also learn about that Vedas and Mahabharata, Ramayan, Jain and Buddhism literature, writing on Greek historians, travelage by Chinese travelers. So Chinese travelers हमारे इंडिया में आए थे, like Faiyan, Wang Xuan. These all travelers, they also write some very important information about history, books on grammar, Purans and inscriptions. So these are the written source of history. Now the oral sources, the Vedic, Buddhism and Jain literature of ancient India was
preserved by oral tradition and it is now available in the written form. Even so, the oral tradition is still alive. When oral composition are used for history writing, they are included in the oral sources. So from this table, ये टेबल आपके लिए बहुत यूजफुल है. आप पूरे लेसन की समरी है ये, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो. सो वी अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रॉम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मटेरियल सोर्स रिटन सोर्स एंड ओरल सोर्सेज आर देयर. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट एंड दैट इज सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. So the ancient period of Indian history extends from the Stone Age to the 18th century CE. We learn about the Stone Age period of Indian history through archaeological excavations. So आप देखते हो जो excavations होते हैं archaeological. From these we have to understand the Stone Age of Indian history through the archaeological excavation. Since script had not developed at that time, so there is no written sources are available. However, information about the ancient period from 1500 BCE onward can be derived from Vedic literature in the beginning. So from the Vedic literature, from the Vedas, we have to know about the past history. In the beginning, the Vedas were not in the written form. So the ancient Indian had developed the technique of memorizing and reciting them. सो वो जो वेदास की रिचास वगैरह होती थी वो रिटन फॉर्म में नहीं थी बहुत पहले. तो वो क्या करते थे, ओरल सोर्स के रूप में दीज आर वो सेफ रखी जाती थी. मीन्स वो रिचास वगैरह लोग ओरली याद करके रखते थे. जैसा कि हमने ओरल सोर्स में पढ़ा कि हम बहुत सारी ओवीज और बहुत सारे फोक सॉन्ग्स देखते हैं, तो ऐसे ही वेदास रामायण महाभारत एट दैट टाइम दे आर नॉट इन द रिटन फॉर्म. सो उसकी जो दोहे हैं, उसकी जो रिचास हैं वेदास की, वो सारी किस में होती थी, द एंशियंट इंडियन हैड डेवलप द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग देम. द वेदास वेयर रिटन डाउन लेटर ऑन. द वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज इंक्लूड द ब्राह्मणस द उपनिषद द इपिक्स ऑफ रामायण महाभारत the Jain and Buddhist literature, plays, poems, stones and pillar inscriptions, travelage of foreign travelers, etc. So from these are the important source of ancient Indian history. So like you see in the picture that ancient Indian has developed the technique of memorizing and reciting them. Like wo ovis vagera bhi aise recite karke gaya karte the, folk songs bhi गाया करते थे. सो लेटर ऑन जो वेदास वगैरह हैं पोस्ट वैदिक लिटरेचर, जब भी वो वेदास वगैरह राइटिंग फॉर्म में नहीं थे, लिटरेचर नहीं था, उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ, वेदास वेयर रिटन डाउन लेटर ऑन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ब्राह्मण्स, एपिक्स, महाभारत, प्लेस, स्टोन inscriptions, ट्रेवलेज ऑफ फॉरन ट्रेवलर, जो बाहर से ट्रेवलर्स आते थे हमारे यहाँ, लाइक फाइयान युवांग श्वेंग. ठीक है, तो इसके अलावा देखो उपनिषद्स, रामायण, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, पोएम्स, जो पिलर्स अशोका पिलर वगैरह है उसके ऊपर बहुत सारे inscriptions लिखे हुए हैं. अशोका ने कौन से ईयर में कौन सा युद्ध किया, उसने क्या अचीव किया, दे ऑल आर रिटन ऑन दैट पिलर्स. सो दीज आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. तो सोर्सेस लाइक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड कॉइन्स फाउंड इन एक्सकेवेशन एंड दे आर ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ important source of ancient Indian history. We also learn about the ancient Indian history through these material sources like these ornaments, these remaining pots, coins, these remaining buildings and all these archaeological remains of ancient monument and coins found in excavations. Now
last and very important sub point, that is precaution to be taken while writing history. जब भी history लिखी जाती है तो history लिखते वक्त बहुत सारे precautions रखे जाते हैं, क्योंकि a written document cannot be said to be very authentic just because it is old. कोई भी पुरानी चीज़ हम इसलिए विश्वास नहीं कर सकते कि वो पुरानी है. So it needed to be examined critically as to who wrote it, किसने उसको लिखा है, why, कब लिखा गया, when, क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, means who wrote it, why and when it was written. The conclusion drawn on the basis of various genius documents have to be cross-checked and corroborated with one another. उसको cross-check किया जाता है, उस जो documents हमने find out किया है. Excavation में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट वो सारी चीज़ों पे वो पुरानी है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो historical है. उन चीज़ों के ऊपर क्या किया जाता है, उनको लेबोरेटरी में, जैसे साइंस की प्रैक्टिकल के लिए बच्चे लैब में जाते हैं, वैसे हिस्ट्री की चीज़ें या जो ज्योग्राफिकल मोनूमेंट, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें भी क्या की जाती हैं, उसको भी लेबोरेटरी में जाके टेस्टिंग किया जाता है. उसको वो कौन सी, कितनी साल पुरानी है, कब मिली होंगी, कब ये चीज़ें बनी होगी, वो सारी चीज़ें जो है वो एग्जामिन की जाती हैं क्रिटिकली, और उसके बाद उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं. सो द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस जीनियस डॉक्यूमेंट हैव टू बी क्रॉस चेक. उसके बाद में उसको क्रॉस चेक भी किया जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ में रिलेट भी किया जाता है, एंड सच अ क्रिटिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट ओनली द थिंग्स इफ इट इज वेरी ओल्ड. हम ये नहीं कह सकते कि बहुत पुरानी है तो वो हिस्टोरिकल चीज़ है. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड. आपने देखा होगा कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो लोग ये कहते कि इतने साल पुरानी है, तो हाउ विल दे नो, उन्हें कैसे मालूम पड़ता है कि वो इतने साल पुरानी है. सो उसके ऊपर बहुत सारी जो हैं वो जो हिस्टोरिकल पीपल्स होते हैं, जो एक्सकेवेशन करते हैं, ऐसे जो हिस्टोरिकल पीपल्स होते हैं, वो उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसको जांचा परखा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली की जाती हैं, एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद वो उसको कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो कितनी पुरानी है या किसने बनाई है. बट स्लोली स्लोली एज अ ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पास, दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर आर डेवलप. दे इंक्लूड बुक्स ऑफ रिलीजियस, दे राइटिंग रिलीजियस बुक्स एंड सोशल सब्जेक्ट्स, प्लेस, पोएट्रीज, ट्रेवलेज. ट्रेवलेज मीन्स जैसे कोई किसी जगह घूमने को जाया करता था किसी और कंट्री में, तो वो वहाँ जो भी देख कर आता था उसकी वो पूरी ट्रैवल हिस्ट्री लिखता था. तो दैट ट्रेवलेज से भी हमको पास्ट के बारे में बहुत मालूम पड़ता है. एंड साइंटिफिक वर्क्स जो होते थे, दे आर ऑल्सो दे इंक्लूडेड इन देयर बुक्स. सो दे इंक्लूड बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट, प्लेस, पोइट्रीज, ट्रेवलेज एंड साइंटिफिक वर्क्स. ऑल दिस लिटरेचर help us to understand the history of various historical period, and these all written sources are called the sources of history of written sources. So all these written things, they are called the written source of history. Now a very important session, do you know, maine aapko pehle hi bataya tha bhujpatra ke bare mein, aapki book mein aapko knowledge diya hua hai. To bhujpatra means writing sheets. And these writing sheets, यानी जो लिखने के लिए जैसे अब आज notebooks का use करते हो, तो वैसे उस time पे भोजपत्र हुआ करते थे, और वो भोजपत्र एक तरह की writing sheets होते थे, that was made from the bark of birch tree. जैसा कि आपको इसको picture में दिख रहा है, ये birch tree है, जिसे birch tree भी कहते हैं. इस tree का जो bark होता था, उसको writing sheet के जैसा use करते थे. And बुर्ज इज द संस्कृत नेम ऑफ द बिर्च ट्री. इसको बिर्च ट्री बोलते हैं, बस संस्कृत में इट इज कॉल्ड द बुर्ज ट्री. सो बिर्च ट्री आर फाउंड इन कश्मीर, एंड फ्रॉम दिस दे मेड भोजपत्र, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग सोर्स एट दिस टाइम, दिस पास्ट टाइम. सो दिस इज भोजपत्र.